रोक तो ले भाई, क्या कर रहा है, एक बार तो रोक। हमें सच्चा प्यार हो गया और ये मजे ले रही है, छोटी कहीं की। मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रणबीर एंड श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म तो झूठी में मकार के सैटरडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म तो झूठी में मकार के सैटरडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 की, तो फिल्म का डे 4 के अंदर बेहतरीन कलेक्शन देखने को मिले हैं। फिल्म का सैटरडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के अंदर ताबड़तोड़ कमाई रही। फिल्म के डे 4 कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने डे 4 के अंदर 16 करोड़ की टोटल नेट कमाई की है। इसी के साथ फिल्म तो झूठी में मकार का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 52.59 करोड़ की टोटल नेट कमाई हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों फिल्म तो झूठी में मकार का मात्र 4 दिनों के अंदर ही बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। वहीं फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर ले तो फिल्म तो झूठी में मकार का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 60 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। तो झूठी में मकार के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 110 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एंड सैलरीज को मिलाकर। वहीं फिल्म के स्क्रीन की बात कर ले तो फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर 3600 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। दोस्तों फिल्म तो झूठी मैं मकार को ऑडियंस के द्वारा काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही। दोस्तों वीकेंड अभी बाकी है, तो फिल्म तो झूठी में मकार आपने देखी या ना देखी, अगर आपने इस फिल्म को मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाकर इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं तमिल की नई रिलीज फिल्म एगिलान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के बारे में। दोस्तों बात करें जयाम रवि, प्रिया भवानी शंकर एंड तान्या रविचंद्रन स्टारर फिल्म एगिलान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 की, तो फिल्म एगिलान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के अंदर ठीक ठाक कमाई देखने को मिली है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म एगिलान का बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक शुरुआत रही है। फिल्म एगिलान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 की बात करें तो फिल्म एगिलान ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 3.5 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। इसी के साथ फिल्म एगिलान का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड से 6.35 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को ओवरऑल 25 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोस्ट को मिलाकर। वहीं दोस्तों फिल्म के स्क्रीन्स की बात करें तो फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 800 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, जहां फिल्म का तमिलनाडु में 500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। दोस्तों फिल्म को वर्ल्ड वाइड हिट स्टेटस रखने के लिए 40 करोड़ के आंकड़े को पार करना होगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जयाम रवि की प्रीवियस फिल्म PS1 बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। दोस्तों फिल्म एगिलान आपने देखी या ना देखी, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 46 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 46 की, तो फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 46 के अंदर 0.55 करोड़ की टोटल नेट कमाई की है। इसी के साथ फिल्म पठान का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 538.75 करोड़ की टोटल नेट कमाई हो चुकी है। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर ले तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से टोटल 1044 करोड़ की टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई रही है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म पठान को ओवरऑल 260 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शंस की है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म पठान का डे 46 कलेक्शंस पूरे हो चुके हैं और फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर शान से टिकी हुई है। दोस्तों फिल्म पठान आपने देखी या ना देखी, अगर आपने फिल्म को मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाकर के इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं तमिल तेलुगु रिलीज फिल्म वाथी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 23 के बारे में। दोस्तों बात करें धनुष एंड समुक्ता स्टार फिल्म वाथी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 23 की, तो फिल्म वाथी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 23 के अंदर बेहतरीन कलेक्शंस देखने को मिले हैं। वहीं दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही। फिल्म वाथी के डे 23 कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म वाथी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 23 के अंदर 1.20 करोड़ की टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई की है। इसी के साथ फिल्म वाथी का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 111.45 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई हो चुकी है। वहीं फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म वाथी को ओवरऑल 50 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। वहीं दोस्तों फिल्म की बात करें तो फिल्म को बॉलीवुड स्टूडियो सितारा एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून 4 सिनेमास के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। वहीं फिल्म को वेंकी अटलूरी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म वाथी
दोस्तों आपने देखी या ना देखी, अगर आपने इस फिल्म को मिस किया है तो अपने नजदीकी थिएटर्स में जाकर के इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं बालागम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9 के बारे में। दोस्तों बात करें काव्या कल्याण राम एम प्रियादर्शी पुलिकोंडा स्टार तेलुगु नई रिलीज फिल्म बालागम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9 की बात करें तो फिल्म बालागम ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9 के अंदर 0.80 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई की है। इसी के साथ फिल्म बालागम का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड से 8.64 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई हो चुकी है, जहां फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से 8 करोड़ की ग्रॉस कमाई रही है। फिल्म बालागम के बजट की बात करें तो फिल्म बालागम को ओनली 4 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट को मिलाकर। वहीं फिल्म के स्क्रीन्स की बात कर ले तो फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 400 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। दोस्तों फिल्म बालागम अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शंस की है। फिल्म बालागम दोस्तों आपने देखी या ना देखी, आपने इस फिल्म को मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। तो दोस्तों ये था लेखा जो का हाल फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आए तो लाइक करिएगा, लाइक करें एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।